नमस्ते दोस्तों कविता किचन रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है बनाना भी इसे आसान है और टेस्ट इसका आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए साथ ही रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला की रेसिपी को इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर लिए हैं अब हम क्या करेंगे टमाटर को एक मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लगभग दस से पंद्रह काजू लिए थे काजू को मैंने आधा घंटा पहले ही पानी में भिगो के रखा था काजू का पानी निकालेंगे और काजू को भी हम मिक्सी जार में डालेंगे साथ ही मैंने यहाँ पर लगभग दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है दस से पंद्रह लहसुन की कलिया आधा इंच अदरक और थोड़ा सा धनिया पत्ता का डंठल लिया है ये ऑप्शनल है अगर आपको धनिया पत्ता का डंठल पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालेंगे तो देखिए सभी चीज़ों को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे और लीजिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है तो अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में इसके लिए गैस ऑन करके पैन में दो से तीन चम्मच तेल डालेंगे साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर लिया है इसे भी डालेंगे मीडियम फ्लेम पर बटर को अच्छे से मेल्ट करेंगे बटर पनीर मसाला बना रहे हैं इसलिए बटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही करेंगे जैसे बटर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम इसमें सभी पनीर को ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम पनीर लिया था पनीर को मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लिया है आप चाहे तो अपने हिसाब से मीडियम पीसेस में भी इसे कट कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और नमक डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर पनीर को हल्का सा टॉर्च करेंगे यानी कि मीडियम फ्लेम पर पनीर को हल्का सा भुनेंगे ध्यान रखें पनीर को भूनते समय इस तरह से हल्का हल्का स्टॉर्च करना है इसे अगर आप कलछी से घुमाएंगे तो पनीर जो है टूटने की संभावना रहती है दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे पनीर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसके बाद सेम पैन में हम दो से तीन चम्मच तेल और थोड़ा सा बटर डालेंगे बटर को फिर से अच्छे से मेल्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे बटर को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे जैसे बटर जो यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे साथ ही कुछ खड़े मसाले लिए इसे भी डालेंगे तो खड़े मसालों में मैंने दो तेज पत्ता एक दालचीनी और दो से तीन लौंग लिया था इसे हल्का सा फ्राई करेंगे जैसे खड़े ही खड़े मसाले जो है यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे हम इसमें तीन मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे मिला देंगे प्याज को अच्छे से इसके बाद हम इसमें लगभग आधा चम्मच नमक डालेंगे नमक डालने से प्याज जो है जल्दी गल जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते समय प्याज को हमेशा नमक डाल के ही पकाएं ऐसा करने से क्या होता है कि प्याज में काफ़ी सारा पानी छूटता है और इसके कारण प्याज जो है जल्दी नरम हो जाता है अब हम इसे कवर करके लगभग चार से पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तीन से चार मिनट के बाद हम प्याज को चेक करेंगे तो देखिए प्याज जो है यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है काफ़ी सारा पानी जो है इसमें देख रहा है क्योंकि हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया था अब हम क्या करेंगे इसे मिक्स करके फिर से दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे यानी कि प्याज जो है और भी अच्छे से पक जाए दो से तीन मिनट के बाद हम फिर से प्याज को चेक करेंगे और देखिए थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं प्याज जो है यहाँ पर और भी अच्छे से पक चुका है यानी कि लगभग अच्छे से गल चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसमें सभी सूखे मसाले ऐड करेंगे मसालों में मैंने यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है लाल मिर्च पाउडर को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था इसीलिए एक चम्मच लाल मिर्च का ही इस्तेमाल किया है मिला देंगे मसालों को अच्छे से और मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे एक मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो यहाँ पर चला जाए तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लगातार चलाते हुए एक मिनट के लिए हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे जैसे ही मसाले जो है यहाँ पर अच्छे से भून जाएंगे हम इसमें पिसा हुआ टमाटर और काजू का पेस्ट डालेंगे मिला देंगे टमाटर को सभी मसालों के साथ अच्छे से रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला बनाने का काफ़ी आसान तरीका जो है आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है अब हम क्या करेंगे मसालों के साथ इस टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे ही मसाला जो है यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे टमाटर के खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल किया है अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें चीनी को स्किप कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला बना रहे इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीनी भी डाला है साथ ही आधा चम्मच नमक डाल के इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज को पकाते समय भी हमने पहले आधे चम्मच नमक का इस्तेमाल किया था इसलिए नमक को हिसाब से ही डालें अब हम क्या करेंगे इसे कवर करके लगभग मीडियम फ्लेम पे चार से पाँच मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का कच्चापन जो है चला जाए तीन से चार मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें लगभग तीन से चार चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे तो मैंने यहाँ पर अमूल का फ्रेश क्रीम ले आए आप चाहे तो दूध की मलाई वगैरह भी डाल सकते हैं लगभग तीन से चार चम्मच फ्रेश क्रीम का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है मिला देंगे इसे अच्छे से तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लगातार चलाते हुए सभी फ्रेश क्रीम को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और फिर इसे ढक के लगभग चार से पाँच मिनट के लिए और पकाएंगे चार से पाँच मिनट के लगभग हो चुके हैं अब हम फिर से सब्जी को चेक करेंगे और देखिए मसाला जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से भून चुका है ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक एक करके सभी पनीर के पीसेस को डाल देंगे तो देखिए यहाँ पर सभी फ्राई किया हुआ पनीर हम इसमें ऐड करेंगे इसके साथ मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप पानी लिया है इसे भी डालेंगे पानी को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं सिर्फ आधे कप पानी का ही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है मिला देंगे इसे अच्छे से रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला बनाते समय पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है तो देखिए धीरे धीरे करके मसालों में मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसे कवर करके लगभग सात से आठ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे मसाला पकने के बाद इस सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो देखिए रेस्टोरेंट जैसे सुपर टेस्टी बटर पनीर मसाला जो है बनके तैयार हो चुका है तो है ना इसे बनाना आसान तो आप इस सुपर टेस्टी बटर पनीर मसालों को घर पे जरूर ट्राई करें और गर्मा गर्म अपनी पसंदीदा रोटी पराठा या नान के साथ सर्व करें उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद